नमस्कार दोस्तों, द न्यूज लॉन्चर के इस खास कार्यक्रम मिड डे मुद्दा में आपका स्वागत है। मिड डे मुद्दा में आज चर्चा बिहार की कि आखिर जो नीना फैक्टर या नानी फैक्टर भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने में दुश्वारियां पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या इन दुश्वारियों से नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी? और मुक्ति सत्ता से ही मिलेगी, तभी जाकर इनसे मुक्ति मिलेगी, ये बात भी तय है। तो क्या सत्ता से ही मुक्ति दिला देंगे ये लोग? दरअसल आज बात इतनी दूर की नहीं, बल्कि बात बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्ष परिवर्तन कराने की प्रक्रिया के सबसे बड़े डॉक्टर नीतीश कुमार की कर रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार कर रहे क्या वाले। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि कल राजभवन वो गए थे, वो कहा नहीं जा रहा है, वो तो सर्वविदित है कि कल राजभवन गए थे, और राजभवन जा करके उन्होंने कौन सा संदेश दिया है ये किसी को पता नहीं चल रहा। इसके पहले जब वो दिल्ली आए थे, एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार का जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर दीजिए, लेकिन उस वक्त तक बचे हुए काम से आशय ये लगाया गया था कि विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज। लेकिन उसके तत्काल बाद पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आया, उस हाईकोर्ट के जजमेंट में 49% ओबीसी ईबीसी एससी एसटी आरक्षण को बढ़ाकर जो 65% किया गया था, यानी 16% आरक्षण जो बढ़ाया गया था दलित पिछड़े या अति पिछड़ों का, उस आरक्षण, उस बढ़े हुए आरक्षण पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, उस फैसले को रद्द कर दिया। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, हालांकि माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाना बिहार के लोगों को बखूबी पता है कि इससे कुछ होने जाने को नहीं है, क्योंकि 9 मेंबर की संविधान पीठ का फैसला है, उसे 11 मेंबर की बेंच ही पलट सकती है, ये आम आदमी जानता है। ये कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट जा करके आई वॉस की कोशिशें हो रही है, सिंगल बेंच और डबल बेंच इस पर फैसला लेगी नहीं, अंततः केंद्र को ही नवी अनुसूची में डालना है। और नीतीश कुमार को जब से ये भनक लगी है कि बिहार के मतदाताओं के बीच इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल बहुत आक्रामक तरीके से घुसने की तैयारी में है, उसके बाद से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को लाल आंखें दिखाना शुरू कर दिया है, ऐसा माना जा रहा है। तो इस लाल आंख दिखाने के पहले क्या चाचा भतीजे के बीच बातचीत हो चुकी है कि उधर से अग्रेसिव रुख दिखाओ तभी हमारे लिए रास्ता आसान होगा? क्या है इसके पीछे का पूरा खेल? और इस पूरे खेल के साथ साथ बिहार की 4 सीटों के उपचुनाव के बारे में जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि 4 सीटों का उपचुनाव ठंडे बस्ते में चला गया है, और उससे भी इस आशंका को बल मिला है कि बिहार में या तो विधानसभा बदली होगी या फिर पाला बदली होगी। तो विधानसभा बदली होगी या पाला बदली होगी, इस मुद्दे पर हम सीधे चलते हैं अंतिम उपलब्ध जानकारी, जिनके पास अद्यतन जानकारी होती है, ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि मिश्रा जी, इतनी सारी फाइल आप लेकर के चल रहे हैं, इतनी सारी फाइलें तो मुख्यमंत्री भी बिहार के लेकर के नहीं चलते हैं, और जो फाइल आप लेकर के चल रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए कि फाइलों के पिचारे के पहले मुझे लगता है हाईकोर्ट का जजमेंट आप पढ़ रहे थे। खैर, क्या चर्चाएं हैं? पाला बदली होगी या विधानसभा बदली होगी? राजभवन नीतीश कुमार गए हैं, उसके बाद से चर्चा गर्म है कि 4 सीटों की वैकेंसी नहीं आएगी, 243 सीटों की वैकेंसी आएगी, लेकिन उसके पहले आरक्षण की नवी अनुसूची में डालने का फैसला बिहार के बढ़े हुए आरक्षण को नरेंद्र मोदी सरकार लेगी या नहीं लेगी? क्योंकि तो अगर सरकार फैसला लेगी तो विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ लड़ेंगे, फैसला नहीं लेगी तो ललन सिंह के लिए कोई मुसीबत नहीं है, बकरी मछली पालने वाला मंत्रालय वो कभी भी छोड़ देंगे, और नीतीश कुमार के लिए तो हमेशा मुख्यमंत्री की कुर्सी तो सुरक्षित है ही, वो उन्होंने एक तरह से अपने लिए पेटेंट ही करा लिया है, क्योंकि भतीजे उनके साथ खड़े होने को तैयार है। क्या लगता है, विधानसभा बदली या पाला बदली? देखिए, जिस प्रकार के डेवलपमेंट एनडीए में हो रहे हैं, और आपने देखा, देखिए कल उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने पर सहमति बन गई, उस उपेंद्र कुशवाहा को जिसका सम्राट चौधरी से पटता नहीं है, ठीक है, नीतीश कुमार से भी संबंध अच्छे रहे हैं बुरे रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जिस प्रकार से वीटो लगाया काराकाट में, पवन सिंह को एक तरह से मौन समर्थन था, और नतीजे आपके सामने में, उपेंद्र कुशवाहा 3rd नंबर पे रहे, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा जाना, और एक खबर ये है कि यदि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार होता है केंद्र केंद्र के लेवल पे, तो उपेंद्र कुशवाहा को
मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, नंबर दो, सम्राट चौधरी को ये अल्टीमेट दिया दे दिया गया, संकेत दे दिया गया, या तो आप डिप्टी सीएम रहेंगे या प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। हमारे पास जो खबर है, कुछ दिनों के अंदर इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त किया जाएगा। सुन तो लीजिए ना, सुन लीजिए, मुद्दा है इस पर तो हम चर्चा करेंगे, मुद्दा ये है, सुन तो लीजिए ना, मुद्दा जो जमीन तक, जी अरे सुन तो लीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। तो जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, चाहे सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना या डिप्टी सीएम पद से हटाना, दोनों में से किसी एक पद को खाली करना होगा। इसका ये मतलब है कि नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं, नीतीश कुमार के इशारे पे बीजेपी चल रही है, और नीतीश कुमार के इशारे पे बीजेपी चल रही है, इसका रिफ्लेक्शन ये है कि नीतीश कुमार सरनम गच्छामी खासकर बिहार में देखने को मिल रहा है, और केंद्र में भी आप समझ रहे हैं, आप जानते हैं कि केंद्र में भी जो सरकार है वो नीतीश कुमार के सहारे है। सबसे तीसरा महत्वपूर्ण बात, मैं आपके मुद्दे पे आ रहा हूं क्योंकि इन चीजों को दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। आप बीजेपी कोटे से जितने भी मंत्री हैं, कल देर शाम की जो खबर है मैं आपको बता दूं, तमाम जो बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं उस विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक लगा दिया गया है जी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस अलायंस में बीजेपी की भूमिका अलायंस बनने से पहले इतना महत्वपूर्ण रहा कि आपने दो दो डिप्टी सीएम दे दिया, कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग दे दिए, उसके बावजूद भी आप उस विभाग के मंत्री अपने विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं, और नीतीश कुमार ने एक तरह से रोक लगा दिया है। तो तमाम जो इंडिकेशन मिल रहे हैं मुझसे ये लगता है कि एक तरह से नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को फ्री हैंड दे दिया है। सम्राट चौधरी यदि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटते हैं तो कोई साधारण डेवलपमेंट नहीं है। जहां तक देखिए पर्दे के पीछे नीतीश कुमार वह खिलाड़ी है, मैंने एक दिन आपके चैनल पे कहा था, वो लाभार्थी राजनीति के लाभार्थी वर्ग है। एक तरफ नरेंद्र मोदी पे दबाव बनाए हुए हैं, नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि नीतीश कुमार थोड़ा भी नीतीश कुमार के मान सम्मान को ठेस लगा, नीतीश कुमार झोला उठाने में समय नहीं लगाएंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि हम तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन झोला उठाने में सबसे अधिक जो स्मार्ट और तेज है नीतीश कुमार है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ये भी दबाव बना रहे हैं, संजय झा को जो जिम्मेवारी दिया गया है यूं ही जिम्मेवारी नहीं दिया गया है, संजय झा के जिम्मे आरक्षण का जो मुद्दा है, आरक्षण का जो लिमिट है, जो 50% से बढ़ा के 65% का जो कर दिया गया था, उसमें उसको लेकर भी केंद्र सरकार और बीजेपी पे दबाव बनाने की जिम्मेवारी संजय झा को है। और नीतीश कुमार ने स्पष्ट ये कह दिया है कि इस विषय को 9वीं अनुसूची में डालने की जिम्मेवारी और इस पर सहमति बनाने की जिम्मेवारी संजय झा की है। अब संजय झा बीजेपी और जेडीयू के बीच में कम्युनिकेशन का काम करेंगे। अब संजय झा पे ये डिपेंड करता है कि कैसे बीजेपी को मनाती है, क्योंकि ये नीतीश कुमार जानते हैं, ये मैं आपके ही चैनल पे पहले कह चुका हूं कि नीतीश कुमार पिछड़े अति पिछड़े दलित वर्ग के नेता माने जाते हैं, और उसी वर्ग के वो राजनीति भी करते हैं। और मोस्ट ऑफ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में देख लीजिए, खासकर लोकसभा चुनाव में जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें देख लीजिए। तो ऐसे वर्ग की राजनीति करने वाले नेता यदि आरक्षण के मुद्दे पे बैकफुट पे चले जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। एक बात यह भी है, पर्दे के पीछे ये भी खेल चला जा रहा है कि तेजस्वी यादव के कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ से इंडिकेशन मिल रहे हैं कि आप इस चीज को जोरदार ढंग से उठाइए, जोरदार ढंग से दबाव बनाइए हम पे, ताकि हम दबाव बना सके बीजेपी पे। यदि बीजेपी इस चीज को नहीं मानेगी, और मुझे लगता है बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में ये विषय बहुत बड़ा सिरदर्द होगा, क्योंकि यदि दो तीन ऐसे मुद्दे हैं, एक तो आरक्षण वाला मुद्दा, बिहार राज्य के विशेष दर्जे वाला मुद्दा, ऐसे मुद्दों पे यदि सहमति बन जाती है और रजामंदी हो जाती है तो आने वाले दिनों में अन्य राज्यों से भी मांगे उठेगी। तो ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी समझते हैं। तो बड़ा जटिलता है जो सामने दिख रहा है राजनीतिक डेवलपमेंट अभिषेक जी, वो है नहीं, बहुत ही मतलब आने वाले दिनों में कई बड़े ऐसे डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे आपको जी।
ऋषि जी, बीजेपी की स्थिति कड़ाही से भाग के चूल्हा में कूदने जैसी दिखाई दे रही है, कि कड़ाही में गर्मी लग रही थी तो चूल्हे पे, तो कड़ाही से कूदने की कोशिश में दूसरे चूल्हे पर कूद जाने वाली स्थिति। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी को आप देखें, अगर नीतीश कुमार की जो विशेष राज्य वाली डिमांड है उसको कंसिडर करती है, उस पर विचार करती है, उसको दे देती है, तब सवाल उठता है कि आंध्र प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है, उधर से वो कूद जाएगी, उधर से ममता बनर्जी कूद जाएंगे, तमाम पिछड़े राज्य उसके ऊपर आ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश फिर आ जाएगा, कांग्रेस की राज्य है वहां पर, कांग्रेस की सरकार है, कई दूसरे राज्य पूर्वोत्तर के आ जाएंगे, उधर भगवंत मान भी अपने आप को पिछड़ा बताते हुए आ जाएंगे, और भाजपा शासित राज्यों को भी देखा देखी सांकेतिक तौर पर मांग करनी पड़ेगी, नहीं तो उनके राज्य में विपक्ष हावी हो जाएगा। तो एक तरफ से कुआं खाई वाली स्थिति है कि विशेष राज्य, दूसरा पैसा भी नहीं है केंद्र के पास, अभी वित्तीय स्थिति आपको देश की पता है, तो उस मांग को ये मान नहीं सकते। और उससे ज्यादा बड़ा सेंटिमेंटल मुद्दा यदि बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, मंडल पॉलिटिक्स जहां का आधार रहा है वहां के हिसाब से कहें, तो वहां साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार में अगर इन्होंने आरक्षण वाली मांग को मान लिया तो झारखंड में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, और दोनों जगह आरक्षण की पॉलिटिक्स चरम पर है। और इनसे आगे बढ़कर देखें तो भूपेश बघेल सरकार ने भी आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, वहां बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। हरियाणा में जाट आरक्षण का मुद्दा है, कई राज्यों में बवाल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश तो सबसे पहले, जहां पीडीए का नारा अखिलेश यादव लगा चुके हैं। तो इस मुद्दे को मानने में बीजेपी को लगता है कि उसके चुनावी हिंदुत्व का ताना बाना बिखर जाएगा। तो इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं दोनों तरफ से, चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पर गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है। क्या लगता है नीतीश कुमार को जो पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली को लग रहा था कि एक राहत मिलेगी, ये तो हालात विकट होते जा रहे हैं अब, क्योंकि नीतीश कुमार चाह करके भी अब वो चाहे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो रह नहीं सकते, क्योंकि बिहार के वोटर सीधे पूछेगा कि आप इतने 12 एमपी हैं, आपके बूते सरकार है, क्यों नहीं 9th शेड्यूल में डलवा रहे हैं, 9th शेड्यूल में किसी विषय को डालने के लिए संसद की अनुमति की जरूरत नहीं है, एक कैबिनेट बुला करके 2 मिनट में डाला जा सकता है, आप क्यों नहीं करा रहे हैं उसको। तो इस सवाल का जवाब आखिर कैसे देगी बीजेपी? देखिए, इस मुद्दे को प्रशांत किशोर भी उठा रहे हैं, इस मुद्दे को प्रशांत किशोर भी उठा रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि जिस नीतीश कुमार के सहारे केंद्र की सत्ता है, क्या नीतीश कुमार बिहार के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं, उस सरकार पे दबाव नहीं बना सकते हैं जो सरकार नीतीश कुमार के सहारे चल रही है? तो मैंने यही कहा पहले टेक में, इनिशियल टेक में मैंने यही कहा कि आने वाले दिनों में जितनी आसान, जितना आपको सरल बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति अभी दिख रही है उतनी है नहीं। बीजेपी के लिए जो नीतीश कुमार का जो मांग है, खासकर आरक्षण और बिहार राज्य के विशेष दर्जा का जो मांग है, वो यदि वो, मैंने शुरू में ही कहा कि यदि ये केंद्र सरकार इस चीज पर सहमति दे देती है, तो आपने बिल्कुल सही कहा, तमाम ऐसे राज्य हैं और जो जहां से ये मांगे उठेगी, और यदि उन मांगों को लेकर यदि केंद्र सरकार का रवैया कुछ अलग होता है तो उस राज्य में बीजेपी का प्रोस्पेक्टिव खराब होगा। तो ये तो है। और नीतीश कुमार यदि भविष्य में पाला बदलते हैं, देखिए नीतीश कुमार का 2-3 प्रमुख मांगे हैं, आप भी जानते हैं, पब्लिक डोमेन में भी है, वह जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, अधिक से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, बड़े भाई की भूमिका में आना चाहते हैं। जब तक ये मुद्दा सोल्व नहीं होगा, जब तब तक उनका बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना खतरे से खाली नहीं हो, चुनाव में जाना ही नहीं चाहेंगे बीजेपी के साथ। मैं उन्हीं बिंदुओं पे आ रहा हूँ, आप थोड़ा धैर्य तो रखिए। एक तो ये कि चुनाव कराना है, दूसरा आर्थिक पैकेज मतलब विशेष राज्य का दर्जा लेना है, तीसरा जो उनका जो सामाजिक आधार है उसको भी बना के रखना है, अधिक से अधिक सीटें भी जीतने हैं, तो सामाजिक आधार कैसे रहेंगे? नीतीश कुमार को हम लोग किस प्रकार से जानते हैं? लपकुश का नेता है नीतीश कुमार, तो लपकुश क्या है? गैर यादव ओबीसी है, पिछड़े समाज से आते हैं, अति पिछड़े में भी नीतीश कुमार का बड़ा समर्थन है, दलित में महादलित, तो इन वर्गों को भी आपको साधना होगा। जैसे ही आरक्षण वाले मुद्दे पे आप पीछे हटेंगे, वैसे ही राजद यानी तेजस्वी यादव इस विषय पर एग्रेसिव अप्रोच अपनाना शुरू कर देगी,
और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 15 अगस्त के बाद जो तेजस्वी यादव गांव गांव जाने का जो प्रोग्राम रखा है उसमें इन इन विषयों को लेकर मुझे लगता है तेजस्वी यादव का जो अप्रोच होगा एग्रेसिव होगा। और जैसे जैसे तेजस्वी यादव इस विषय को लेकर नीतीश कुमार पे हमला बोलेंगे, नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ेगी और समाज में भी मैसेज आएगा कि नीतीश कुमार इस विषय पे यदि वह बीजेपी पे दबाव बनाने में सफल नहीं होते हैं तो इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है। तो नीतीश कुमार के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा कि एक वो स्पेस बना के रखते हैं, यदि उनको यहाँ से रुखसत करना हो, यहाँ से मतलब बीजेपी को छोड़ना हो या बीजेपी को हटाना हो तो उनके पास विषय हैं कि भाई हम लोगों ने तो राज्य के खुशहाली के लिए, राज्य के हित के लिए इंडिया गठबंधन से एनडीए में गए थे, हमने इन चीज इन विषयों को रखा, केंद्र सरकार ने नहीं बात माना, फिर हम अपने पुराने घर में वापस आ गए हैं। तो नीतीश कुमार बिल्कुल स्पेस बना के रखते हैं और ये बीजेपी के लिए भी सिरदर्द है। देखिए सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं, आप 15-18-20% के वोट से चुनाव नहीं जीत पाएंगे बीजेपी। यदि बीजेपी इस विषय को लेकर अपनी स्थिति क्लियर नहीं करेगी तो बीजेपी को सिर्फ बिहार ही नहीं अन्य राज्यों में भी नुकसान उठाना पड़ेगा, आपको हरियाणा में उठाना पड़ेगा, आपको झारखंड में उठाना पड़ेगा, आपको महाराष्ट्र में उठाना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी अगर आरक्षण के फैसले को 9th शेड्यूल में डाल देगी तो जो बीजेपी का आधा क्रेडिट तो उसका नीतीश कुमार ले जाएंगे, क्रेडिट कहीं अखिलेश यादव लेंगे, अगर यूपी में मांग होगी तो क्रेडिट को देखिए स्थिति नहीं करेगी। अगर ये कर देगी तो जो कोर वोटर बीजेपी का है वो भाग जाएगा छोड़ के, क्योंकि पोजीशन कुआं और खाई, बीजेपी करे तो करे क्या, पोजीशन कुआं और खाई वाली है। कुआं से बचेंगे तो खाई में जाएंगे, खाई से बचेंगे तो कुआं में जाएंगे। अब एक रास्ता तो निकालना ही होगा। नरेंद्र मोदी जी को कल पार्लियामेंट में आपने देखा होगा, कई बार वो पानी पी रहे थे, कई बार पानी पी पी के कोस रहे थे। तो कम से कम विपक्ष को जो मैंडेट मिला है ऐसे ही पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं लोग। तो आप समझ जाइए आने वाले जो दिन है वो बीजेपी के लिए आसान नहीं है। जितना हमारे जो गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, बड़े बड़े टाई कोट पहन के और बाल कटिंग करवा के जब प्रोग्राम करते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बायोलॉजिकल अवतार हैं, बायोलॉजिकल अवतार जो नरेंद्र मोदी जी हैं, बायोलॉजिकल नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल है। क्या अब हम उतना नहीं समझते हैं ये बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल, ये नरेंद्र मोदी जी समझते हैं ब्रह्मा जी के अवतार है क्या? तो इस पर आसान नहीं है ब्रह्मा जी के लिए, हमारे विष्णु जी के लिए आसान नहीं है। वे सिर्फ ये कह देंगे कि भाई पिछड़ा थी पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री है तो इससे काम नहीं चलेगा। भाई आप प्रधानमंत्री हैं, उस समाज के जो निचले पायदान पे बैठे लोग उसको क्या आपके प्रधानमंत्री बनने से फायदा हुआ? वही 5 किलो अनाज, वही पैखाना, क्या उनको अच्छे स्कूल का अधिकार नहीं है? क्या अच्छे हॉस्पिटल के का अधिकार नहीं है उनको? सिर्फ 5 किलो अनाज। अब मैं एक बात करके खत्म करूंगा, फिर आप अपना सवाल रखिएगा। मैं इन केंद्रीय मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, इन सांसदों से पूछना चाहता हूं, इन माननीय विधायकों से पूछना चाहता हूं, आपके परिवार को 5 किलो अनाज और एक पैखाना बनवा दे तो आप खुश हो जाएंगे? आपके आपके जो फादर या भाई बहन जो भी एमएलए एमपी हैं वो सब जो आपको सुविधा मिलता है उसको छीन लिया जाए, अब 5 किलो अनाज एक पखाना बनवा देते हैं, आप रहिए दिल्ली में, जनता के लिए काम कीजिए। आपको हेलीकॉप्टर चाहिए, आपको प्लेन चाहिए, आपको लुटियंस पे बंगला चाहिए, आपको लाखों का सैलरी चाहिए और जनता को 5 किलो अनाज चाहिए, आप बाथरूम चाहिए सिर्फ। ये नहीं चलेगा भैया, आप जनता हिसाब लेगी आपसे कि तुमको हमने चुनाव में जीत के मत दे के मैंडेट दे के दिल्ली भेजा है लुटियंस में, लुटियंस में 1.5-2 बीघा के कैंपस में रहते हो, हमारे लिए क्या किए? हम पिछड़े अति पिछड़े हैं, हमारे लिए क्या किया तुमने? जी क्या बात आप कर रहे हैं, अति पिछड़ा समाज के राजभूषण चौधरी निषाद को मंत्री बनाया, आप क्या चाहिए अति पिछड़ा? राजभूषण निषाद जी का बैकग्राउंड जानते हैं, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं,
कितना खर्च किया चुनाव में बोले हम बताए हैं? नहीं नहीं, तो मछुआरा समाज को क्या मिला है? मछुआरा समाज से पूछिए ना, जो आज बेचारे नाव चला के अपना 10-20-50-60 रुपया कमा के अपने परिवार का भलन पासन पोषण करते हैं। राजभूषण निषाद जी, राजभूषण देखिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने से नहीं होगा, आप समाज में क्या परिवर्तन ला पाते हैं वो बहुत बड़ा, वो महत्व रखता है। एक राजभूषण निषाद या जैन निषाद को बनाने से नहीं होगा। नहीं ऋषि जी, एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं कि क्या दिया है भाजपा ने, तो सवाल ये उठता है नीतीश कुमार ने क्या दिया है पिछड़ों को? साइकिल दे दिया, स्कूल ड्रेस दे दिया, पढ़वा लिखवा दिया। तो पढ़ा लिखा देना इतनी 5 किलो राशन से बड़ी उपलब्धि है क्या? 5 किलो राशन बड़ी उपलब्धि है, पढ़ा लिखा देना ज्यादा बड़ी उपलब्धि है, बताइए। देखिए देखिए, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा जब मुंह खुलता है तो मैं सभी नेताओं को लपेट देता हूँ। आप बोलिए, आपका मुंह खुलवा रहे हैं ना, जवाब देना है तो मुंह खोलना। 5 किलो राशन महत्वपूर्ण है या स्कूल ड्रेस साइकिल देके पढ़वा देना ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए पढ़ाई तो बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा है, डॉक्टर अम्बेडकर का वो पंक्ति याद होगा आपको, शिक्षा वो माँ का दूध है जो जितना पिएगा जितना पढ़ेगा उतना दहाड़ेगा। अम्बेडकर के वो पंक्ति आपने सुना होगा ना, दर्शकों को भी मैं कहता हूँ कि आप अपने बाल बच्चों, आपने अपने बच्चों को आप पढ़ाइए, काला अक्षर में वो ताकत है जो जितना पढ़ेगा उतना दहाड़ेगा। आप ये देख लीजिए हमारे यहाँ या आपके यहाँ किसी भी राज्य में देख लीजिए, सिंपल ग्रेजुएट या पीजी का कोई आदमी, पीएचडी किया हुआ भी आदमी कोई थानेदार से बात कर सकता है क्या? हमारे आसपास कोई क्राइम होता है, आप अपने पड़ोसी को कहिए कि मेरे साथ थाना चलना है, और देखिए कैसे वो बहाने बनाते हैं, कहेंगे पेट में दर्द है, कहेंगे घर में काम है, मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है। तो हम लोग तो इतना मतलब, हम लोग ऋषि जी हमसे पार्टी का, हम लोगों को बुद्धिजीवी बनना होगा। देखिए एक बात करके मैं थोड़ा खत्म करूंगा, महात्मा गांधी को लोग ऐसे बैठे बैठे गाली दे देते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो महात्मा गांधी को उपहास उड़ाते हैं। महात्मा गांधी बौद्धिक रूप से इतने ताकतवर थे कि एक सिर्फ एक झापर उनको रंग भेद के आधार पे साउथ अफ्रीका में मारा था, उन्होंने साउथ अफ्रीका से रंग भेद ही खत्म कर दिया। इसे कहते हैं ताकत, इसे कहते हैं काले अक्षर की ताकत। नहीं आप ताकत की बात कर रहे हैं, अब क्या कहें, पार्टी का नाम हम नहीं लेंगे। एक पार्टी के एक नेता हमसे कह रहे थे कि ये नीतीश कुमार साइकिल दे दिए हैं, ड्रेस दे दिए, स्कूल कॉलेज भेज दे रहे हैं अति पिछड़ों को, महादलितों को, और जो बच्चा स्कूल में चला जा रहा है कॉलेज पहुंच जा रहा है वो जय श्री राम कर ही नहीं रहा है, वो तो जिग्नेश मेवानी और चंद्रशेखर रावण को देखना शुरू कर दे रहा है। ये स्थिति है, वो अलग चिंतित है इसको लेकर। अरे भैया क्यों करेगा, आपका बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और गरीब ब्राह्मण का बेटा तलवार भाजेगा, जय श्री राम करेगा। आपका बेटा जाएगा अमेरिका में, वेस्ट इंडीज में जाएगा, वो चीफ गेस्ट बनेगा प्रोग्राम का, और गरीब राजपूत का बेटा तिलक लगा के तलवार भाजेगा और एफआईआर कराएगा अपने आप अपने पे। जी बिल्कुल, आप क्या चाहते हैं, किस तरह का हिंदुस्तान चाहते हैं आप? मैं अपने नेताओं से पूछना चाहता हूं, मैं अपने पूरे हिंदुस्तान के आवाम से पूछना चाहता हूं, आपका बेटा आईएएस बनेगा या आपका बेटा तलवार आप अपने बेटा से तलवार भजवाना चाहते हैं? आप अपने बेटा पे 302-307 का एफआईआर करवाना चाहते हैं? अब सेक्शन बदल गया, अब जो अब सेक्शन बदल गया, सेक्शन बदल गया, लेकिन बिहार की राजनीति नहीं बदली है। ऋषि जी सीधा बताइए, जो जदयू के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अगर जुलाई महीने के अंत तक यानी 31 जुलाई तक नवी अनुसूची में नहीं डाला गया इस मुद्दे को, तो बिहार में अगस्त महीने में बिहार में जो खेला होगा वो दिल्ली में भी सत्ता परिवर्तन कर देगा। आरजेडी बाहें खोलकर खड़ी है, इंडिया गठबंधन बाहें फैलाकर खड़ा है, कोई आईसीसी के सामने की नारेबाजी आपको याद होगी, नीतीश बाबू वापस आओ, याद है ना? याद है कि नहीं? देखिए बिल्कुल, नीतीश कुमार पे ये दबाव है, नीतीश कुमार पे ये प्रेशर है कि आरक्षण वाले मुद्दे को आसानी से जल्द इसको रिजॉल्व किया जाए, और ऐसा प्रतीत हो, ऐसा रिफ्लेक्शन हो
जनता के बीच में कि नीतीश कुमार ने इस विषय को गंभीरता से लिया है, और नीतीश कुमार ये दर्शाने में तभी सफल होंगे जब ये विषय जो है 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार इस विषय को डालने में सफल रहती है। यदि इस मुद्दे को लेकर आप आनाकानी करेंगे, ये दर्शाने की कोशिश करेंगे कि हम अभी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो वो जमाना गया कि आप कहेंगे और जनता मान जाएगी। आज का जो ऋषि जी बताइए, जेडीयू के लोग तो ये कह रहे हैं, निजी बातचीत में खुल के कह रहे हैं कि जब मोदी जी का इलेक्शन था तब तो हाई कोर्ट ने रोक दिया कि इलेक्शन के बाद फैसला आया, हाई कोर्ट ने उस वजह से रोका, किस वजह से रोका वो विद्वान न्यायाधीश जानते हो, लेकिन अब जब नीतीश कुमार का चुनाव सामने आ रहा है, वो विधानसभा चुनाव जल्द कराना चाहते हैं, तब आ गया कि नहीं भाई अब उसमें नवीं अनुसूची में नहीं डालेंगे, यानी नीतीश कुमार का वोट बैंक छिटक के चला जाए आरजेडी के पास, नवीं अनुसूची में नहीं डालेंगे तब, और नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव कराने से डर जाए, पीछे हट जाए कि जल्दी में नहीं कराएंगे, उस वो भी टालते रहे आगे, ये कौन सा पॉलिटिकल मॉड्यूल है जिसमें बीजेपी अपना फायदा देख रही है और जेडीयू और सहयोगी दलों का फायदा नहीं देख रही है, और विपक्ष पे आरोप लगाती है कि अखिलेश जी संभल जाइए, परजीवी है कांग्रेस, पैरासाइट है, आपके ऊपर पल रही है, यहाँ बिहार में तो खुद नीतीश कुमार के ऊपर पल रही है बीजेपी, और नीतीश कुमार को ही डैमेज करने की कोशिश कर रही है। सीधा बताइए हमारे दर्शकों को ऋषि जी, 31 जुलाई तक नवीं अनुसूची का नोटिफिकेशन नहीं आया तो बिहार और देश में क्या होने जा रहा है? नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है भैया, और ऐसे हालात में जहां तेजस्वी यादव को कुछ नहीं मिल रहा है और किसी भी पार्टी को जिंदा रखना है, किसी पार्टी को संगठित रखना है तो सत्ता जरूरी होती है, ये बात लालू यादव भी समझते हैं, ये बात लालू यादव भी समझते हैं, तो लालू यादव ये अगले पांच साल के लिए तेजस्वी यादव के पास अभी लंबा समय बचा हुआ है, और अगले 5 साल के का सेक्रीफाइस तेजस्वी यादव कर सकता है यदि इस प्रकार का डेवलपमेंट होता है तो। अब गेंद जो है बीजेपी के पाले में है, आपने बिल्कुल सही कहा है, कुछ समय के लिए नीतीश कुमार इंतजार करेंगे, और यदि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में, आज 3 जुलाई है, महज 28 दिनों का वक्त है। मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ, यदि नीतीश कुमार और बीजेपी में सहमति नहीं बनती है तो राजनीति में संबंध कभी बिगड़ते नहीं है, दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं, जो अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, दरवाजे बंद नहीं होते हैं, और लालू यादव ने तो ये कह दिया था जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में शामिल हुए थे कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा राजद का जो दरबार है हमेशा खुला हुआ है। ये ऑप्शन है नीतीश कुमार के पास, और नीतीश कुमार का जो सामाजिक आधार है, जो उनका बेस वोट है, वो बीजेपी को खुश करने के लिए या बीजेपी के सरकार बचाने के लिए अपने सामाजिक आधार को यूं ही लूटने नहीं देंगे तेजस्वी यादव को। सामाजिक आधार है, इसलिए ना नीतीश कुमार को पूछ रहे थे आप। तमाम विरोध होने के बावजूद भी आज नीतीश कुमार बीजेपी के लिए प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि गैर यादव ओबीसी का वोट बैंक उनके साथ है, दलित में महादलितों का वोट उनके साथ है, पचफोरना का वोट बैंक उनके साथ है, महिलाओं का ठीक ठाक संख्या उनके साथ है जी। तो ये नीतीश कुमार जो आधार है, जो मान लीजिए जिस कारण से आप मुझे पूछते हैं, उस आधार को ये हम खत्म कर ले तो इससे बड़ा बचपना क्या हो सकता है? और मुझे नहीं लगता है नीतीश कुमार जैसे चतुर नेता ऐसे मोजाल में फंसेंगे, तो कुछ दिनों को इंतजार कीजिए, बिहार में बड़े डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे जी। ऋषि जी, हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं, बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक सबसे बड़ा है, यदि बहुसंख्यक हिंदू अति पिछड़ा की बात करें तो 24% और कुल अति पिछड़ा जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी है तो 36%। अब सवाल उठता है कि अति पिछड़ा राजनीति से भारतीय जनता पार्टी परहेज क्यों करती है, क्योंकि अति पिछड़ा में जो बीजेपी जिनको लेके आती है वो अमूमन वो सिर्फ एक मुखौटा होते हैं, भजन लाल शर्मा मोहन यादव की तरह रबर स्टैंप होते हैं। अब अति पिछड़े में ताकतवर नेता जैसे मान लीजिए रामेश्वर चौरसिया हो गए, एक जमाने में दलितों में कामेश्वर चौपाल थे, सबका सिंबॉलिक इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया, संजय पासवान सिंबॉलिक इस्तेमाल दलितों में करके छोड़ दिया गया,
अब सिंबॉलिक चेहरे कैसे लाए जाते हैं जो कुछ बोल ना सके, बसपा से लाए गए जनक राम, संजीव चौरसिया का नाम, उधर मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार का नाम, एक मंत्री बनाए जाते हैं राम नारायण मंडल का नाम, यानी जो बोले नहीं चुपचाप रहे वो अति पिछड़ा का चेहरा है भाजपा में, और जो मुखर आवाज है, जो बुलंदी के साथ बात करता है, जो सबको साथ लेकर अति पिछड़ा के अलावा दूसरे समुदाय को भी जोड़ सकता है, भाजपा का नेतृत्व उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ाने के पहले 100 बार सोचता क्यों है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह यूपी बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े नेताओं से क्या डरते हैं? देखिए, दो तीन सवाल आपने किया, उसका जवाब सुन लीजिएगा आप। देखिए, यही कॉन्फिडेंस तो बीजेपी को ले डूबा है कि नरेंद्र मोदी है, सब कुछ कर लेंगे। आप किसी गधे को भी टिकट दे दीजिएगा, किसी ऐसे एंटी इनकमेंसी वाले नेता को भी टिकट दे दीजिएगा, और उम्मीद था कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाएंगे। अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में जितने भी बड़े पत्रकार यहाँ से गए, आप उनसे पूछ लीजिए, तमाम बड़े पत्रकार गए, लल्लू कुमार के विरुद्ध जोरदार एंटी इनकमेंसी था। क्या हुआ? पगड़ी खुल गई आज। वही अयोध्या में पगड़ी भी खुल गई, मैं जो उस विषय पे बाद में आऊंगा। देखिए, अयोध्या क्यों हार गए आप? आपके जो सिटिंग एमपी थे उनके बहुत जोरदार एंटी इनकमेंसी था। खुद मोदी के को लेकर भी सर्वे किया गया तो मोदी वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। कल मैंने बताया था आपको, खुद मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार का माहौल था, मोदी ने भी हिम्मत नहीं किया अयोध्या से चुनाव लड़ने का। तो इस प्रकार का जो इंदिरा गांधी मॉडल है, रीजनल फोर्सेस को आप खत्म कर दीजिएगा, मोहन यादव को लाइएगा, भजन लाल बेचारा, भजन लाल मैं 12-15 साल राजस्थान रहा हूँ, और जहाँ के सांगानेर के विधायक हैं भजन लाल, वहां मैं रहता था। भजन लाल को राजस्थान में आप मुख्यमंत्री बनने से पहले सांगानेर में पूछ लेते कि भजन लाल कौन है, तो नहीं बता पाता। उस बेचारे को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप उनसे उम्मीद कीजिएगा कि राजस्थान में 25 से 25 सीटें जिता के वो दे दे आपको, ये संभव नहीं है। वसुंधरा घर बैठ गई, क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ से पूर्वांचल में संबंध खराब हो गए, और दूसरा अखिलेश यादव ने पीडीए ले आया, क्या हुआ? मोदी जी हारते हारते चुनाव बचे हैं बनारस में। तो ऐसे जो इंदिरा गांधी एक जमाने में करती थी कि रीजनल फोर्सेस को खत्म करके जो कोई मुख्यमंत्री है उसको हटा के केंद्र से किसी को भेज दिए, तो यह प्रयोग करते रहेंगे आप तब तक ऐसी स्थिति देखने को मिलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, बिहार भाजपा में प्रदेश स्तर पर कमान बदलने की चर्चा है, उसमें संभावना ये भी है। रामेश्वर चौरसिया का आपने नाम लिया, उनका नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रामेश्वर चौरसिया पढ़े लिखे नेता है, अति पिछड़े में पढ़े लिखे हुए नेता है, समझदार नेता है, बिहार के राजनीति के नब्ज को बेहतर समझते हैं। हालांकि देखिए, पढ़ा लिखा होना तो मोदी जी की नजर में गुनाह हो जाता है। नहीं, इन दिनों में भाजपा में गुना भाग चल रहा है कि जो उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में जो गलतियां की हैं उससे सबक यदि लेते हैं तो रामेश्वर चौरसिया, जनक राम, हालांकि जनक चमार का भी नाम चल रहा है, संजीव चौरसिया का भी नाम चल रहा है। जनक राम जो भाजपा में थे तो उन्हें जनक चमार के नाम से जाना जाता था। मैं अपने दर्शकों के सामने स्पष्ट कर दूं कि ये जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हम लोग, वो खुद अपना नाम ही जनक चमार लिखते थे। हाँ, तो मान लीजिए, हाँ, तो जनक जी का नाम चल रहा है, छोड़ दीजिए जनक, उनका हम पूरा नाम ही लेते हैं, जनक जी का नाम चल रहा है, रामेश्वर चौरसिया का नाम चल रहा है, और मैं समझता हूँ रामेश्वर चौरसिया का दाव बेहतर होगा अन्य विकल्पों के बीच में भी मुझसे पूछेंगे, क्योंकि अति पिछड़ा है, और अति पिछड़ा वर्ग यदि बीजेपी के साथ गोलबंद होता है, प्लस अग्रणी जातियों का वोट यदि साथ में होता है, तो समझ सकते हैं कितना एक बड़ा सामाजिक समीकरण बनेगा। उसी तरह कांग्रेस में भी, मैं आपका समय थोड़ा लूंगा, कांग्रेस में भी, ऋषि मिश्रा जी, मोदी शाह का जो काम करने का तरीका है उसमें रामेश्वर चौरसिया कहाँ फिट बैठते हैं? वहां तो उन्हें संजीव चौरसिया चाहिए। एक बात पर यस नो, देखिए रामेश्वर चौरसिया, हर बात में जी हुजूर। देखिए, रामेश्वर चौरसिया भी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल लीडरशिप, कोई भी यदि प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो सेंट्रल लीडरशिप के राय मशवरा के साथ ही वो संगठन को चलाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि आप किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो उनको फ्री हैंड दीजिए, क्योंकि उस राज्य को वो बेहतर समझते हैं, संगठन को कैसे चलाना है। हाँ, आपकी मॉनिटरिंग बनी रहे। उसी तरह बिहार में कांग्रेस में भी प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष की जो लीडरशिप है उसमें बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह को पद से हटाया जाएगा। 2-3 ऐसे नाम हैं, प्रेमचंद मिश्रा हैं, अशोक राम हैं,
एक पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश राम पूर्व केंद्रीय मंत्री उषा सिन्हा के पुत्र हैं, अनुनय सिन्हा युवा चेहरा हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये उषा सिन्हा का जो परिवार है उनका सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी के समय भी गांधी परिवार से बहुत बेहतर संबंध रहे हैं। तो इन नामों का चर्चा है 10 जनपद से लेके कांग्रेस मुख्यालय में। देखिए आने वाले दिनों में हो सकता है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस को एक युवा चेहरा के रूप में प्रदेश अध्यक्ष नए प्रदेश अध्यक्ष मिले। उसी तरह भाजपा में मुझे लगता है कि करीब करीब रामेश्वर चौरसिया का नाम तय है। अब आने वाले दिनों में देखिए पार्टी क्या निर्णय लेती है। ऋषि जी आखिरी सवाल पर हम आते हैं, फिर एक बार 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहेंगे, समय कम है। 31 जुलाई तक नवीं अनुसूची में बिहार में आरक्षण बढ़ाने का फैसला यदि कैबिनेट ने मंजूर नहीं किया, मोदी कैबिनेट ने मंजूर नहीं किया, तो फिर अगस्त महीने में माहे अगस्त में जब बरसात हो रही थी तो बिहार में कौन सी कैबिनेट बन रही थी, ये बता दीजिए कौन सी कैबिनेट बन रही होगी। अब उसमें होंगे नीतीश कुमार तो सीएम होंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होंगे, मतलब पगड़ी कोई दो राय नहीं है, सीएम की डिप्टी सीएम की कुर्सी भी छिनवा दीजिएगा तो सम्राट चौधरी फिर कहेंगे ना कि दो दो बार नीतीश कुमार का इस्तीफा दिलवा दिए। इस बार यदि नीतीश कुमार ने बिहार में विपक्ष परिवर्तन कराया तो दिल्ली में भी विपक्ष परिवर्तन हो जाएगा, ये भी जान लीजिए। चंद्रबाबू नायडू तैयार बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी इस खतरे को समझ रहे हैं। खैर, जो खतरा है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जुलाई का महीना बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और जुलाई के महीने में यदि नई दिल्ली ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला नवीं अनुसूची में नहीं डाला, जैसे नरसिम्हा राव सरकार ने तमिलनाडु के 69% आरक्षण को नवीं अनुसूची में डाल दिया था, उस वक्त जयललिता के समर्थन से उनकी सरकार थी और तमिलनाडु का मुद्दा बड़ा था, अकेले नरसिम्हा राव बहुमत में नहीं थे और उन्हें डालना पड़ा था नवीन अनुसूची में। अगर आज नीतीश कुमार के बूते मोदी जी की सरकार है और उस सरकार ने यदि फैसला नहीं लिया तो तय मानिए कि बिहार में मुख्यमंत्री परिवर्तन तो होता नहीं है, विपक्ष परिवर्तन होता है, उसका नमूना अगस्त में देखने को मिल जाएगा। डेडलाइन जनता दल यूनाइटेड के सूत्रों के हवाले पर यदि यकीन करें तो 31 जुलाई की डेडलाइन है, 31 जुलाई तक नवी अनुसूची का इंतजार। बिहार की जनता, पिछड़ी अति पिछड़ी, दलित महादलित, आदिवासी सब करेंगे और उसके बाद जन दबाव को नीतीश कुमार झेलने की स्थिति में नहीं होंगे, अपने वोट बैंक के दबाव को झेलने की स्थिति में नीतीश कुमार नहीं होंगे और उनकी मजबूरी होगी कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर एक बार फिर भतीजे को सत्ता का दर्शन करा दे, डिप्टी सीएम बना दे। तो देखते जाइए क्या होता है, नरेंद्र मोदी इस राजनीतिक दांवपेच से उबर कर कैसे आते हैं। नीतीश कुमार के सामने साख का सवाल है तो नरेंद्र मोदी के सामने साख का सवाल नहीं बल्कि वोट बैंक से ऊपर जाकर अपनी कुर्सी का सवाल है। नीतीश कुमार के सामने कुर्सी का सवाल नहीं है, ये तय मानी है। हाँ, भाजपा के साथ रह गए तो कुर्सी और जनाधार दोनों से एक साथ हाथ धो बैठेंगे नीतीश कुमार, ये हालत बनती जा रही है। फैसला नीतीश कुमार को क्या लेना है, संभवतः वो ले चुके हैं। बीजेपी को क्या लेना है ये ऋषि मिश्रा जी भी नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते, ये नरेंद्र मोदी के सिवा भगवान भी नहीं बता सकते। तो देखिए क्या होता है आज के लिए। ऋषि मिश्रा जी नहीं पी, आप गलत बोल रहे हैं, भगवान से डायरेक्ट उनका कनेक्शन है, भगवान जाऊ जानते भगवान है, कल ही नहीं नहीं वो 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 नीतीश कुमार बायोलॉजिकल है, नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है, डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है। ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार के पास भगवान है, कल उनका नॉमिनेशन हुआ है, आपने देखा होगा। भगवान कुशवाहा, चलिए चलिए, इसलिए चलिए पलड़ा बराबर है। ध्यान रखिए मिड डे मुद्दा में ऋषि जी आपने हमारे दर्शकों को इतनी बड़ी और सनसनीखेज खबर दी जिसकी कल्पना दिल्ली में बैठे हुए गोदी मीडिया के एंकरों को तो नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, नमस्कार।